हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रानीस क्रिएटिव होम में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ऊन से कुछ क्रिएटिव थिंग्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डोर हैंगिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ डिफरेंट कलर्स की ऊन। तो अब हम इनसे पॉम पॉम बॉल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऊन का धागा ले लेंगे और उसको इस तरह गोल गोल रैप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह करना है। आपको इस तरह अपनी उंगली पे गोल गोल रैप करते जाना है, कम से कम 20-30 टाइम्स। तो अब हमने इसको रैप कर लिया है, तो अब हम इसको सेंटर से बांध लेंगे कुछ इस तरह। इसको हमें एकदम टाइट बांधना है। आप देख सकते हैं मैं कितना टाइट बांध रही हूँ, आपको भी एकदम टाइट बांधना है। तो अब हमने इसको टाइट बांध लिया है, तो अब हम इसको कुछ इस तरह कट करते जाएंगे। देखिए, इस तरह बीच में से घुसा के कैंची को इस तरह हम इसको कट करते जाएंगे। तो अब हम इसको कट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा और ऐसे सेंटर में करके कट करते जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह हमें कट करते जाना है। इसको हम जितना कट करेंगे हमारी पॉम पॉम बॉल उतनी ही स्मूथ और अच्छी बनेगी। तो हमने इसको कट कर लिया है, तो अब हम इसको हाथों पे कुछ इस तरह मलेंगे तो हमारी पॉम पॉम बॉल तैयार है। तो इसी तरह 20-30 टाइम रैप करके, कट करके और हाथों पे मल के हम ये येलो की बॉल भी तैयार कर लेंगे और इसी मेथड से बाकी सारी कलर्स की बॉल तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, रेड की और एक कलरफुल बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम इनसे कुछ क्रिएटिव थिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक लंबी ऊन लेंगे और सुई में उसको डाल लेंगे। तो अब हम इसमें एक बेल यानी कि एक घंटी लगाएंगे, कुछ इस तरह इसको नीचे तक ले जाएंगे और फिर यहाँ पर हम एक गठान बांध लेंगे। अब हम इसमें एक बारी और सुई डाल के निकाल लेंगे जिससे हमारी गांठ खुलेगी नहीं। तो घंटी लगाने के बाद अब हम इसमें एक और दूसरा बीट डाल लेंगे इस तरह और फिर उसमें एक पॉम पॉम बॉल डालेंगे। और फिर हम फिर से इसमें दो बीट डाल देंगे। और फिर दो बीट और डाल देंगे। तो अब हम इसमें एक और पॉम पॉम बॉल डाल देंगे और इसी तरह पॉम पॉम बॉल डाल के
हम एक हैंगिंग तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आपकी मर्जी से आप कितनी भी पॉम पॉम बॉल डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस फिर से बीट डाल रही हूँ और फिर पॉम पॉम बॉल, फिर दो बीट, फिर दो बीट, फिर पॉम पॉम बॉल। तो इसी मेथड से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कितनी भी पॉम पॉम बॉल ऐड कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप पहली लड़ी में जितनी पॉम पॉम बॉल डालेंगे उसकी एक कम करके दूसरी, और फिर एक कम करके तीसरी, और फिर एक कम करके चौथी, इस तरह तैयार कर लेंगे। मैंने पहली दो लड़ी में 7 पॉम पॉम बॉल डाली हैं और दूसरी दो लड़ी में 6 पॉम पॉम बॉल डाली हैं। फिर तीसरी लड़ी में मैंने 5 पॉम पॉम बॉल डाली हैं। इसी तरह 3-2-1 करके मैं सारी पॉम पॉम बॉल की लड़ी तैयार करती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये लास्ट दो बीट डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद हमारी लड़ी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी लड़ी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी लड़ी कितनी सुंदर लग रही है। अब इसी तरह हम सारी लड़ी तैयार कर लेंगे और फिर हम इनको अटैच कर लेंगे। तो अब हम इनको लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बाकी लड़ियों के हिसाब से अपनी पॉम पॉम बॉल को सेट कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह बाकी लड़ियों के हिसाब से सारी पॉम पॉम बॉल को सेट करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने हमारी सारी लड़ियों को सेट कर लिया है और ये कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी डोर हैंगिंग बनकर तैयार है। तो अब आप भी ऐसे घर पर इतनी सुंदर डोर हैंगिंग बनाइए। तो फ्रेंड्स, हमने इसी तरह पॉम पॉम बॉल और बीट को लगा के ये सुंदर सी डोर हैंगिंग बनाई है। अगर आपको इस डोर हैंगिंग को बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स, अब इस डोर हैंगिंग के बाद हम हमारी दूसरी क्रिएटिव थिंग पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह ऊन में एक वाइट बीट डालेंगे, फिर एक गोल्डन बीट डालेंगे, उसके बाद फिर हम एक वाइट बीट डालेंगे और फिर से एक गोल्डन बीट डाल देंगे, और अब हम इसमें येल्लो पॉम पॉम बॉल डालेंगे। इसी तरह हम फिर से एक वाइट बीट डालेंगे, फिर एक गोल्डन बीट डालेंगे, फिर एक और बार वाइट बीट डालेंगे, और फिर एक और बार गोल्डन बीट डालेंगे, और फिर रेड कलर की पॉम पॉम बॉल डाल लेंगे। इसी तरह हमें एक कॉन्स्टेंट कलर रखना है। कॉन्स्टेंट कलर मतलब पहले येल्लो, फिर रेड, फिर येल्लो, फिर रेड। तो अब हम इसी तरह एक लड़ी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 6 येल्लो बॉल और 7 रेड पॉम पॉम बॉल डाली है। तो अब हम इसमें हमारी लास्ट पॉम पॉम बॉल को डाल लेंगे और 4 गोल्डन बीट डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह एक नेकलेस तैयार कर लिया है। अब हम इसको सही से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह सही से सेट करना है। तो अब हम इस तरह दोनों तरफ की ऊन को लेके हमारी सुई में डाल लेंगे। और इसमें एक बड़ा वाइट मोती डाल देंगे, यानी कि बीट डाल देंगे, जिससे हमारा ये नेकलेस का हुक तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेकलेस बनकर रेडी है। तो इसी तरह मैं आपको बाकी ज्वेलरी भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम एक रेड पॉम पॉम बॉल लेंगे और उसमें इस तरह फेविकॉल से एक बीट को चिपका देंगे, और फिर हम एक ईयरिंग का हुक लेंगे और उसको कुछ इस तरह उसके सेंटर में जहाँ से हमने पॉम पॉम बॉल को बांधा था वहाँ से इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह दूसरा बना के हमारे ईयरिंग्स बनकर तैयार हैं।
तो बेंदी के लिए यहाँ पे मैंने एक बीट, फिर एक छोटा पम्पम बॉल, फिर एक बड़ा पम्पम बॉल और फिर उसमें कुछ बीट और फिर हुक लगा के इसको तैयार कर लिया। और अब हम ब्रेसलेट देखते हैं। तो इसमें मैंने नेकलेस की तरह बीट्स और पम्पम बॉल को अटैच कर दिया। इसमें मैंने 3 रेड के और 3 येलो के पम्पम बॉल लिए हैं और फिर उसमें सेम नेकलेस की तरह एक बड़ा बीट डाल दिया और फिर नीचे के छोरों में 2 गोल्डन बीट लगा दिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा ब्रेसलेट भी बनकर तैयार है। तो हमारी इस तरह फेक फ्लावर ज्वेलरी भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा नेकलेस, इयररिंग, ब्रेसलेट और बेंदा एकदम परफेक्ट बना है। तो आप देख सकते हैं हमारी फेक फ्लावर ज्वेलरी, ये बेंदा, ये इयररिंग्स, ये दूसरा, और ये हमारा नेकलेस और ये ब्रेसलेट एकदम परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ऊन से बनी ऐसी क्रिएटिविटी की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल रानीज़ क्रिएटिव होम को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।